नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एक के बाद एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में सौगात देते जा रहे हैं। अब तक कई राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहुंच आ चुके हैं। आज सोमवार के दिन पीएम नरेंद्र मोदी असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 12 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा था कि मुझे असम की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने को लेकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने कहा कि ट्रेन पर्यटन को बढ़ावा देगी और पूर्वोत्तर में सामाजिक आर्थिक विकास को समृद्ध करेगी। ये अत्याधुनिक ट्रेन गति, आराम और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। पीएमओ ने कहा कि अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस क्षेत्र के लोगों को गति और आराम के साथ यात्रा करने का साधन प्रदान करेगी और इससे क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। गुवाहाटी को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली ये ट्रेन वर्तमान की सबसे तेज गाड़ी की तुलना में यात्रा के समय लगभग 1 घंटे की बचत करने में मदद करेगी। अधिकारी ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रा को 5 घंटे 30 मिनट में तय करेगी, जबकि वर्तमान सबसे तेज ट्रेन उसी यात्रा को तय करने में 6 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। मंगलवार को इस ट्रेन की कोई सेवा नहीं होगी। ये नई सेवा गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच 411 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 30 मिनट में तय करेगी, जिससे सबसे तेज गति वाली ट्रेन द्वारा वर्तमान में सबसे कम यात्रा समय काफ़ी कम हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा सप्ताह में सिर्फ 6 दिन संचालित होगी और यह क्षेत्र की सबसे तेज ट्रेन होगी और इसे आईटी पेशवरों, कारोबारियों, छात्रों और पर्यटकों को फायदा होगा। इससे यात्रा में लगने वाले समय को कम करने के साथ प्रदूषण मुक्त परिवहन प्रदान करने में भी मदद मिलेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।